हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस सेशन में इस सेशन में हम कैब एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि कंपलसरी कंपोनेंट है ऑफ द ए एग्जाम इसके मॉड्यूल ए चैप्टर थ्री करस्पोंडेंट बैंकिंग एंड एन अकाउंट्स इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो uh, uh, इसमें हम उस चीज को continue कर रहे हैं राइट right? सो so, हमने देख uh, हम देख हम चुके हैं करस्पोंडेंट बैंकिंग का मेन जो मीनिंग है इसका रिक्वायरमेंट क्या है फंक्शंस क्या है करस्पोंडेंट बैंक्स के ये सब हम देख चुके हैं सो आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स करस्पोंडेंट बैंकिंग के जब हम बात करते हैं इट कैन बी डन इन टू वे हमने देखा था या तो आप अकाउंट खोलो Uh, जो uh, हमारा रेस्पोंडेंट बैंक है वो करस्पोंडेंट बैंक में अकाउंट खोलेगा करस्पॉन्डेंट बैंक रेस्पोंडेंट बैंक में अकाउंट खोलेगा या फिर Uh, किसी और तरीके से भी ये किया जा सकता है इवन विदाउट ओपनिंग द अकाउंट दिस कैन बी डन ठीक है तो जब आप अकाउंट खोल रहे हो दिस अकाउंट कैन बी कॉल्ड इन डिफरेंट द सेम अकाउंट लेट से विल टेक द एग्जाम्पल्स नाउ तो एक ही अकाउंट को आप डिफरेंट तरीके से uh, जो है नेम कर सकते हो बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर अकाउंट एंड ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द डिस्कशंस ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग एज फार एज वी हैवीर कंसर्न विद इन दिस चैप्टर ठीक है तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ऑफ वन बैंक इन अनदर इसके डिफरेंट टाइप्स हम देख रहे हैं इसको हम नोस्त्रो वोस्त्रो एंड लोरो अकाउंट्स कहते हैं ठीक है तो इनके टाइप्स देखेंगे इस सेशन में और इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो हम डिस्कस करेंगे राइट तो द फर्स्टली लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल एस बी आई मुंबई ठीक है मुंबई में जो एस बी आई है दैट इज गोइंग टू बी द रेस्पॉन्डेंट बैंक और ये करस्पोंडेंट बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहा है बाय एंगेजिंग विथ सिटी बैंक इन न्यूयॉर्क ठीक है इसके साथ एंगेज कर रहा है इसके साथ जो है आ, अपने एक्टिविटीज कर रहा है सो हेस्ट टू सर्व दीपल हु आर इन न्यूयॉर्क जो कि एस बी आई मुंबई के एक समय में जो है कस्टमर्स रह चुके हैं या फिर अभी भी कस्टमर्स है जो वहाँ पर आ, हाल फिलहाल के लिए टेम्प्रेरली या परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं तो सिटी बैंक के थ्रू ये अपने एक्टिविटीज कर रहा है तो एसबीआई मुंबई ओपन एन अकाउंट इन सिटी बैंक नाउ लेट्स सी इस पर्टिकुलर अकाउंट को हम किस किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पर इसका नाम क्या होगा वॉट आर दिस नोस्ट्रो वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट लेट एस है लुक ठीक है तो का अकाउंट सिटी बैंक में ओपन हो गया अब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक भी यहाँ पर है ये, ये सब चीज देख रहा है ओ एस ने अपना अकाउंट सिटी बैंक में ओपन किया है राइट वेरी गुड इस तरीके से तो ये सब चीज देखने के बाद देर आर अ फ्यू डिस्कशन की वॉट इज नोस्त्रो वॉट इज वॉस्तो एंड वॉट इज लोरो अकाउंट तो सिंपली ये जो फिगर uh, आपके सामने है पीपीटी अगर आप रिमेंबर रखोगे याद रखोगे विजुअली तो आपको बहुत आराम से ये तीनों अकाउंट जो है याद हो जाएंगे इनफैक्ट चार अकाउंट चौथा अकाउंट भी हम अभी डिस्कस करेंगे मिरर अकाउंट इसे कहा जाता है वॉट इज मेड बाय दैट ठीक है तो एसेंशियली नौस्त्र अकाउंट का मतलब क्या होता है नौस्त्र अकाउंट कहा जाता है जब एस बी आई मुंबई अपने खुद के अकाउंट के बारे में बात करता है ठीक है तो आर अकाउंट विथ यू नोस्त्रो मींस मेरा एक अकाउंट जो है आपके पास खुला हुआ है यानी कि एस कहता है सिटी बैंक को कि मेरा अकाउंट आपके वहां खुला हुआ है आपके ब्रांच में खुला हुआ है तो आर अकाउंट विथ यू वेन एवर एस बी आई टॉक्स अबाउट दैट अकाउंट इसे हम नोस्त्रो अकाउंट कहते हैं फॉरन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय अ बैंक इन द होम कंट्री विद द बैंक इन द होस्ट कंट्री एस बी आई मुंबई अकाउंट इन सिटी बैंक ठीक है न्यूयॉर्क देन इट विल बी कॉल्ड एन ऑस्ट्रो अकाउंट नाउ इस uh, को मेंटेन किया जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है इन द बुक्स ऑफ एस बी आई मुंबई एस बी आई मुंबई में क्या लिखेगा अकाउंट्स में क्या लिखेगा इस अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट करके लिखेगा बिकॉज मेरा अकाउंट उनके पास आर अकाउंट विथ यू दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो नो वॉट इज वस्त्रो अकाउंट वस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है आपका अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है तो ये अकाउंट एक्चुअली रजिस्टर किया जाएगा वॉस्त्रो अकाउंट के नाम से इन द बुक्स ऑफ सिटी बैंक ठीक है सिटी बैंक सेम अकाउंट को रजिस्टर करेगा एज अ सॉरी अकाउंट ठीक है सो इज द रेफरिंग टू माई ओन अकाउंट वॉस्त्रो इज रेफरिंग टू अकाउंट ऑफ एल्स इन बैंक ब्रांच ठीक है योर अकाउंट विथ एस तो फॉरन करेंसी अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक इन होम कंट्री ठीक है नॉन रेजिडेंट बैंक यानी कि एसबीआई मुंबई यूएस में तो नहीं है बट वहां पर अकाउंट खुला हुआ है उसका तो दैट तो सिटी बैंक के बुक्स अकाउंट में ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है एस बी आई मुंबई का रिकॉर्डेड एज वॉट इट विल बी रिकॉर्डेड एज द वॉस्थ्रो अकाउंट प्लीज टू रिमेंबर दिस अब लेट से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक इस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में रेफर कर रहा है तो ये किस तरीके से इसे डेजिग्नेट करेगा तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक इज अ थर्ड बैंक ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है ना इसके साथ इसका अकाउंट खुला हुआ है ना आ, जो है ये पर्टिकुलर अकाउंट अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के किसी ब्रांच में खुला हुआ है राइट तो दिस इज थर्ड बैंक विच इज जस्ट वाचिंग दिस टू तो ये लोरो अकाउंट के नाम से इस पर्टिकुलर अकाउंट को रेफर करेगा अपने बुक्स में ठीक है देयर अकाउंट विद With City Bank. Simple, इस तरीके से तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक थर्ड पार्टी अकाउंट इसे कहा जाता है थर्ड पार्टी का है नॉट मी आई एम थर्ड पार्टी तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के लिए वो अब एस बी आई मुंबई इस पर्टिकुलर इसका एक अकाउंट जो है यहाँ सिटी बैंक में तो खुला हुआ है इससे कई सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं

करेंसी रिलेटेड अकाउंट मोस्टली ये होता है एंड ये होम कंट्री यानी कि एस जो है अपना अकाउंट के सामने जो इसका uh, नोस्त्रो अकाउंट है उसके सामने इट विल बी ओपनिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट इन इट्स ओन ब्रांच ठीक है सो दैट इज वट आर दीज फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग यहां पर देख लेते हैं इंटरनेशनल अकाउंट ऑफ द टाइप योर अकाउंट विद अस ये क्या होगा ठीक है आर अकाउंट विथ यू तो नोस्त्रो हो गया योर अकाउंट विथ अस दिस इज वॉस्त्रो योर अकाउंट वाई ऐसे आता है एंड वी ऐसे आप याद रख सकते हो ठीक है वॉस्त्रो नोस्त्रो में कंफ्यूजन हो सकता है तो योर अकाउंट विथ एस ये लोअर अकाउंट इज देयर अकाउंट विदर अकाउंट इज अट इट इज अक्शन ऑफ द नोस्त्रो अकाउंट इज वाई बी विल बी दॉरी ए विल बी द राइट आंसर हियर बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया ठीक है नोस्त्रो अकाउंट इज गोइंग टू बी योर अकाउंट विथ ठीक है एक्चुअली योर अकाउंट विथ अस एज यू कैन सी हियर कंफ्यूज नहीं होते योर अकाउंट विद अस इज द वॉस्तो अकाउंट ठीक है तो बी शुड बी द राइट आंसर नॉट ए बी शुड बी द राइट आंसर नोस्त्रो अकाउंट अगर हम देखें आर अकाउंट विद यू तो ये हम देख चुके हैं नो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन इंटरनेशनल अकाउंट ऑफ द टाइप देयर अकाउंट विद देम ये क्या होगा नॉस्त्रो वॉस्त्रो लोरो या मिरर अकाउंट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन पर आप हमें जो है आ, अपना जो भी क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल इट हलो एट द रेट एडोट डॉट को डॉट इन आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन सेंड अस ऑन हेलो एट द रेट एडोट डॉट को डॉट इन या फिर राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन जय हिंद